जहाजाद, बहरब की कारवा सरा का हौज, रात वो सुकूत कि जिसमें एक दूसरे से हम किनार तैरते रहे, मुहित जिस तरह और दायरे के गिर्द हल्का जन तमाम रात तैरते रहे थे, हम एक दूसरे के जिस्मो जान से लग के तैरते रहे, एक शाद काम खौफ से कि जैसे पानी आंसुओं में तैरता रहे, हम एक दूसरे से मुतमईन जवाले उम्र के खिलाफ तैरते रहे। तू कह उठी हसन, यहां भी खेच लाई जा की तिश्नगी तुझे। नो अपनी जा की तिश्नगी को याद कर रहा था मैं कि मेरा हल्क आंसुओं की बेबहा सहावतों से शाद काम हो गया, मगर ये वहम दिल में तैरने लगा कि हो ना हो मेरा बदन कहीं हलब के हौज ही में रह गया। नहीं, मुझे दुई का वाहिमा नहीं, क्या भी रबते जिस्मों जा का एतबार है मुझे, यही वो एतबार था कि जिसने मुझको आप में समो दिया। मैं सबसे पहले आप हूं, अगर हम ही हूं, तू हो मैं हूं, फिर भी मैं हर एक शय से पहले आप हूं। अगर मैं जिंदा हूं तो कैसे आपसे दगा करूं कि तेरे जैसी औरतें जहाजात ऐसी उलझने हैं जिनको आज तक कोई नहीं सुलझ सका। जो मैं कहूं कि मैं सुलझ सका तो सर बसर फरेब अपने आप से कि औरतों की साफ्त है वो तंज अपने आप पर, जवाब जिसका हम नहीं। लबीब कौन है? लबीब कौन है? तमाम रात जिसका जिक्र तेरे लब पे था, वह कौन तेरे गेसों को खींचता रहा, लबों को नोचता रहा, जो मैं कभी ना कर सका। नहीं, ये सच है, मैं हूं या लबीब हूं, रकीब हो तो किस लिए तेरी खुदा कही की बेरया निशाते नाप का, जो यक नवा सद नवा खरामे सुबह की तरह। लबीब हर नवाए साजगार की नफी सही, मगर हमारा राबता विसाले अबो गुल नहीं, न था कभी वजूदे आदमी से आबो गिल सदा बुरू रहे, न हर विसाले आबो गिल से कोई जामिया सबू ही बन सका, जो उनका एक वाहिमा ही बन सके तो बन सके। जहाजात, एक तू, एक वो और एक मैं, ये तीन जाविये किसी मुसलसे कदीम के हमेशा घूमते रहे कि जैसे जैसे मेरा चाक घूमता रहा, मगर ना अपने आप का कोई सुराग पा सके। मुसलसे कदीम को मैं तोड़ दूं जो तू कहे, मगर नहीं, जो सहर मुझ पे चाक का वही है इस मुसलसे कदीम का, निगाहें मेरे चाक की जो मुझको देखती हैं घूमते हुए, सुबह जाम पर तेरा बदन तेरा ही रंग तेरी नाजुकी बरस पड़ी, वो कीमिया गरी तेरे जमाल की बरस पड़ी, मैं सैले नूरे अंदरों से धुल गया। मेरे दुरू की हल क्यों गली गली निकल पड़ी कि जैसे सुबह की अजान सुनाई। हाय हाय हाय, तमाम कूजे बनते बनते तू ही बन के रहे। निशात इस विसाले राह गुजर की नागहां मुझे निकल गई, यही प्याला और सुराही और सुबह का मरहला है वो कि जब खमीरे आबो गिल से वो जुदा हुए तो उनको राह समते नौ की कामरानियां मिली।
मैं एक गरीब कूजागर, यह इंतहाए मार्फत, यह हर प्याला हो सुराही हो सुबू की इंतहाए मार्फत, मुझे हो इसकी क्या खबर। जहाजात इंतजार आज भी मुझे वही है क्यों मगर, जो 9 बरस के दौरे नासजा में था। अब इंतजार आंसुओं के दजला का, न गुम रही की रात का, शबे गुनाह की लज्जतों का इतना जिक्र कर चुका के खुद गुनाह बन गई। खलब की कारवा के हौज का, न मौत का, न अपने इस शिकस्त खुदाजात का। जहाजात एक इंतजारे बेजमा का तार है बंधा हुआ, कभी जो चंद सानिये जमानो बेजमा में आके रुक गए तो वक्त का ये बार मेरे सर से भी उतर गया। तमाम रफ्ता गुजश्ता सूरतों, तमाम हादसों के सुस्त काफिले मेरे दुरू में जाग उठे, मेरे दुरू में एक जहाने बाजियाफ्ता की रेल पेल जाग उठी, बहिश्त जैसे जाग उठे खुदा के लाशऊर में। मैं जाग उठा, मैं जाग उठा गुनूदगी की रेत पर पड़ा हुआ, गुनूदगी की रेत पर पड़े हुए वो कूजे जो मेरे वजूद से बुरू तमाम रेजा रेजा होके रह गए थे, वो फिर से एक गुल बने। किसी नवाए साजगार की तरह वरक से बेजमा बने, वरुवते हजल बने। फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, मैं बहुत कम जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में, अगर मेरे नज़दीक कोई है तो वो इस तरह का मोनोलॉग है जिसमें दूसरे कैरेक्टर को भी आपने वहाँ रजिस्टर करवाना है, अगले का भी, दूसरे बंदे का भी किरदार करना है, तीसरे बंदे का भी किरदार करना है, और इतना लंबा स्क्रिप्ट याद कर लेना इस लैंग्वेज में, ये खुद एक अपने अंदर उस्मान चौधरी ने हसन कूजागर पढ़ी नहीं, याद नहीं की, परफॉर्म नहीं की, बल्कि जिया है ये नज़्म। आज से कोई एक महीना पहले शायद करीब हमारी जो पहली मुलाकात हुई उस्मान चौधरी साहब से इस नज़्म के ऊपर हुई थी, तब से लेके अब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों में से कोई जागा हो नींद से और हमने हसन कूजागर नंबर 3 दोहरानी ना शुरू कर दी पूरे पिछले एक महीने से। और उस्मान साहब की डेडिकेशन की मैं दाद देता हूं, ये सारे डेडिकेटेड लोग थे जितने भी आप लोगों ने देखे, लेकिन मैंने इन जैसा डेडिकेटेड आदमी इसमें नहीं देखा पूरे इस टेनवर में, जितना टाइम भी मैं इन सबके साथ हम लोगों ने काम किया है। रात 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, दिन का वक्त है, उस्मान साहब और मेरी डिस्कशन चल रही है। सर बच्चों के तनूर कैसे भर रहे थे? यस, और आपने दिखाया उस्मान चौधरी साहब ने आप लोगों को कि ये टफेस्ट फॉर्म है और एक टफ आदमी ही कर सकता है।